तो बचपन से देखते आ गए हैं। हम लोगों का डेरा वहाँ पुरानी बाजार में था, जिसे मेरे पिताजी मेरे दही थे। उस समय में भी आते थे तो हम लोग बचपन से देखे हैं। तो हमारे अभिभावक पूर्व विधायक आदरणीय सहदेव पासवान जी, महानगर के पूर्व अध्यक्ष और जनता दल यू के प्रदेश के सचिव प्रोफेसर अरुण पटेल जी, दलितों के नेता और सकरा के पूर्व प्रमुख आदरणीय श्याम कल्याण पासवान जी, हम लोगों के साथी नौजवान साथी भाई संजय पासवान जी, हम लोगों के नेता आदरणीय शंकर बाबू, मृत्युंजय जी, गणेश जी ठाकुर मुखिया जी, मुकेश जी, हम लोगों के नेता भाई विजयानंद पासवान जी, श्याम यादव जी, रविंद्र बाबू, लाल बाबू राय जी, लाल बाबू राय जी सैनिया, परमानंद चौपाल जी और व्यास बाबू, राम उद्गार राय जी और तमाम सभी लोगों को हम देख रहे हैं। उप प्रमुख अनिल जी, पूर्व उप प्रमुख अनिल जी, हम लोगों के नेता कपिंदर पटेल जी और सभी जनता दल यू के सर्वोच्च कार्यकर्ता साथियों, आज विपरीत परिस्थिति में भीम चौपाल का कार्यक्रम बुलाया गया, क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और उसके पहले हम लोगों को कार्यक्रम की तैयारी के लिए बैठक बुलाना था। लेकिन अभी कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता जो है, जो राजनीतिक पार्टी में काम करता है, उसके उसका मुख्य आधार कृषि ही है और कृषि का अभी कटनी का पीक समय, अभी लोग खेती छोड़ करके आना नहीं चाहते हैं, लोग गांव में भी नहीं मिलते हैं, खेत में रहते हैं। इस विपरीत परिस्थिति में भी आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर के हम लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम किया, पार्टी में मजबूती प्रदान करने का काम किया, इसके लिए सर्वप्रथम हम आपको धन्यवाद देते हैं, आभार जताते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने भीम संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया था वहाँ नंद युवा भवन बखरी में, उसमें गाय घाट से बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंच कर अकेले गाय घाट विधानसभा क्षेत्र ने भीम संवाद का कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में जाकर के सफल बना दिया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे अभिभावक आदरणीय सहदेव पासवान जी ने तो सारी बातें कह दी, अब तो बचा कुछ नहीं है। सारी बातें संविधान से लेकर के देश और दुनिया और दलितों की राजनीति, अभी देश की राजनीति में क्या स्थिति है, उन सब बातों की चर्चा विस्तार से की है। मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग जो हैं, जो समाजवादी परंपरा के लोग हैं, वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, शोषितों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हम लोग अपर कास्ट के भी विरोधी नहीं हैं। मैं बात बताना चाहूंगा, ये डॉक्टर लोहिया जो राजनीति करते थे, बहुत नारा दिए थे कि सर सौ पार ने बाजी काट, पिछड़ा पापे सौ में साथ। तो जो वंचित समाज था उसकी लड़ाई लड़ते थे, ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे। एक बार पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, लेकिन आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो ऐसे जोशी हैं, ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बाद जो है उसमें दो परंपरा है, एक वशिष्ठी परंपरा है जो मुनि वशिष्ठ की परंपरा है वो है, और एक वाल्मीकि परंपरा है जो वाल्मीकि की परंपरा है वो है। तो जो समाजवाद से जुड़े हुए अपर क्लास के लोग हैं वो वाल्मीकि परंपरा के लोग हैं, हम उनका भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना किसी वैश्विक समाज के लोगों का सम्मान करते हैं। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि अभी देश की जो परिस्थिति है,
जिन परिस्थितियों में आज देश है, निश्चित रूप से जो इमरजेंसी का समय था, जब आदरणीय सहदेव बाबू जेल में गए थे, हमारे पिताजी भी जेल में गए थे, एक साधारण आरोप लग गया कि जो है गाय घाट में सड़क को काट लिए और वहां बैठ करके नारा लगा दे रहे थे कि जय प्रकाश की गिरफ्तारी इंदिरा की मौत है। बस इन एक शब्दों के कारण 19 महीना 21 दिन की सजा बजाता कोर्ट से हमारे पिताजी को कर दी गई और वो सजा काट करके बाद में मुरारजी देसाई की सरकार बनी और उनकी रिहाई हुई। तो मात्र एक बात से 19 महीना 21 दिन की सजा हो गई थी। आज इतिहास पुनः उन्हीं बातों पर लौट गया कि जब देश के विपक्ष का नेता लोकसभा में कहता है कि ललित मोदी भाग गया, एक और मोदी है वो भ्रष्टाचार में पड़ा हुआ, कि सारे मोदी छोड़ है क्या, बस एक ही बात पर 2 साल की सजा, संसद से सदस्यता समाप्त। ये तो बड़ी अजीब बात है। ठीक बात है कि आज देश फिर उन्हीं रास्ते पर आ गया। इमरजेंसी में जिस तरह से लोकतंत्र के अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया जाता था, ठीक उसी प्रकार से देश आज उसी राह पर खड़ा है और उस राह से देश को निकालने का, उस संकट से देश को बचाने का एक ही उपाय है जो श्री नीतीश कुमार जी ने सोचा कि जो बाबा साहेब का रास्ता है, जो बाबा साहेब का रास्ता है, जो देव का रास्ता है, अब उसके रास्ते पर देश को लावे। अब पुनः जो रास्ते से भटक गए हैं वंचित और शोषित, जिनको चुनाव के समय में जिनको लड़ाई लड़नी चाहिए रोजगार की, जिनको लड़ाई लड़नी चाहिए अपनी संपत्ता की, जिनको लड़ाई लड़नी चाहिए अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, वो लड़ाई हिंदू और मुसलमान के नाम पर चली गई है। हिंदू और मुसलमान के नाम पर, उस पर भी अगर नाम नहीं भरता है तो कह देता है, जब कोई लड़का हमारा नौजवान जब रोजगार की मांग करता है तो कहता है पाकिस्तान को तो ठीक कर दिए ना, अब रोजगार दे। अरे पाकिस्तान को ठीक कर देने से अगर रोजगार मिल जाता तो बहुत रास्ते थे रोजगार मिलने के, लेकिन बहलाया और फुसलाया जा रहा है। जो लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान की थी, उस लड़ाई को धर्म के नाम पर और जात के नाम पर ले गया है। इसलिए अभी जनता दल यूनाइटेड ने संकल्प लिया है कि जो रास्ता था भीमराव अम्बेडकर का, हम भीम चौपाल के माध्यम से, हम भीम संवाद के माध्यम से पुनः लोगों को एकीकृत करेंगे और इस देश को बचाने का काम करेंगे। उसी क्रम में आज हमारे जिला अध्यक्ष का दौरा हुआ है, भीम चौपाल हुआ है और आगे 13 अप्रैल को हम लोगों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्मतिथि की पूर्व संध्या पर दीप प्रज्वलित करना है। क्यों नहीं कर सकते, जब हम अपने बेटा का बर्थडे मना सकते, जब हम अपने बच्चों का बर्थडे मना सकते हैं जिसने अभी तक कोई कीर्ति नहीं की है, हम उसका बर्थडे मना सकते हैं, हम दीपावली में अनायास दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, तो क्या जिसने हमको संविधान में अधिकार देने का काम किया, जिसने वंचित शोषितों जो सोच नहीं सकता था कि हमको सत्ता में बराबरी का अधिकार मिलेगा और जिसने हमको वो अधिकार दिलाने का काम किया, उसके नाम पर हम अपने घरों में एक वो दिया नहीं जला सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ अपने जिला अध्यक्ष जी को कि गाय घाट प्रखंड ही नहीं, गाय घाट विधानसभा क्षेत्र का हरेक टोला है, हरेक गांव है, वहाँ भीमराव अम्बेडकर के नाम पर 13 तारीख को दीप प्रज्वलित होगा। अगर हमारी आप बातों से सहमत है तो सब लोग हाथ उठाकर समर्थन करिए, सब लोग दीप प्रज्वलित करेंगे। भाई विद्यानंद पासवान जी हैं, सबसे बड़ा दलित टोला है इनका, जी खुद लोमा है श्याम बाबू का,
सारे लोग मिलकर के अभी से लग जाना है कि हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्मोत्सव पर दीपावली मनाएंगे। हम अपने अधिकार दिलाने वाले व्यक्ति के नाम पर 14 अप्रैल को उनका जन्म तिथि मनाएंगे, ये संकल्प लेना है। और मैं अंत में एक बात बताना चाहता हूँ, इस देश में जितनी भी समस्या भी उठी है, जितना भी अभी तनाव उत्पन्न हुआ है, उस तनाव से मुक्ति का एक मात्र रास्ता है इस देश में कि आप लोगों को संकल्प लेना होगा कि जिस तरह से बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो समाजवादी विचारधारा से निकले थे और इस राज्य के मुख्यमंत्री हुए, तो जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि जब सरकार बने तो जो वंचितों का टोला है, जो शोषितों का टोला है, जो अल्पसंख्यकों का टोला है, जो अपने अधिकार के प्रति आज भी चिंतित नहीं है, उन टोलों को सड़क मिले, उन टोलों को बिजली मिले, उन लोगों को सत्ता में बराबरी का अधिकार मिले, उस काम को अगर किसी ने सबसे ज्यादा इस देश में ईमानदारी के साथ करने का काम किया है, उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। इन्होंने तमाम वंचितों और शोषितों के टोलों में सड़क पहुंचाने का काम किया। इसी गाय घाट की धरती पर 2015 में जब महेश्वर प्रसाद यादव एमएलए हुए, तो 350 करोड़ का काम सिर्फ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से, जो टोला था जो मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना, उससे कराने का काम किया। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही विचारधारा है कि ठीक कहा हमारे संजय भाई ने कि जो एमएलए लोग चापाकल देते थे और चापाकल पर जो है चापाकल कहीं लगा दिया जाता था सार्वजनिक स्थान पर, वहां हमारी माताएं बहने दलितों की वो जाती थी, जब पानी भरने तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। उस बात को ही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम हर घर नल जल योजना ला करके समाप्त देने का काम किया। इसी तरह से आज जो मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना है, बहुत सारा टोला है, ये टेपरी का जोड़ी टोला की मैं चर्चा कर रहा था, श्यामली के यहाँ एक टोला है, उधर क्या नाम है उसको, सिवदाहा पट्टी, सिवदाहा में है कई तरह का टोला, वहाँ आज भी जहाँ 50 घर 55 घर 60 घर है, वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। वहाँ जमींदारों के गाछी होकर के खेत की बेर होकर के लोग जाते हैं, इसी में सोडा में नया टोला आज भी रास्ता नहीं है। तो वैसे टोलों के लिए मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना ला करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिन लोगों का रास्ता है उसको करके इसकी खेत उस रास्ते में जा रही है, उस व्यक्ति को जमीन का मुआवजा दे करके उन टोलों में सड़क पहुंचाने का संकल्प लिया है। ये है नीतीश कुमार की विचारधारा, जो जिसको ठीक की विचारधारा से हम लोग सम्मानित करते हैं। तो निश्चित रूप से इस देश में जो समस्या अभी उभर रही है, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई की, अगला और पिछड़ा की लड़ाई की, उस समस्या को निदान करने का एक ही निदान है कि 2024 के चुनाव में इस देश का प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार को बना दिया जाए। निश्चित रूप से जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की कल्पना थी, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कल्पना थी, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की कल्पना थी, उन कल्पना का भारत नीतीश कुमार जी बना करके दे सकते हैं। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से अपील करूंगा कि जनता दल का जो अभियान है उसको हम लोग अभी से तन मन धन लगा करके पूरा करने का काम करें, गांव गांव में जागृति फैलाएं। इसके अलावा मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ लोग आलोचना करते हैं सरकार की, हम भी आलोचना करते हैं कभी कभी। प्रेम संवाद हो रहा था, मद निषेध मंत्री आए थे, विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी जी भी आए थे, मैंने विरोध किया था,
आपने पासी समाज पासवान समुदाय जो दारी बेचता था, जिसकी जीविका का एकमात्र साधन दारी था, जो प्राकृतिक दल में है, उस पर रोक लगा करके उन लोगों के साथ अन्याय किया है। इन बातों पर संशोधन होना चाहिए। पुलिस क्या राज आ गया है शराब के नाम पर। इसी गायघाट प्रखंड में रामनगर गांव है, वो वहां पासी समुदाय के लोग दारी बेचते थे। एक दिन दरोगा गया, जो है 75 लोगों को उठा करके जेल भेज दिया तारी पीने के आरोप। हमारा सीना छल्ली हुआ था उस समय, तो हमने उन बातों का विरोध किया है पार्टी के मंच पर भी। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि जब हम शाम को चलते थे गांव और टोलों की तरफ, तो महिलाओं के रोने की आवाज आती थी। तो हम जब पूछते थे कि महिलाएं क्यों रो रही है, तो इसका पति, इसका बेटा शराब पी करके आया है, अनायास मार पीट कर रहा है। वो आवाज, वो जो द्रवित आवाज थी, वो आज खत्म हो गई है। आज हम गांव में जब जाते हैं तो कहीं कोई महिलाओं के रोने की आवाज सुनाई नहीं देती है। आज हम किसी जब टोले पर बैठ करके भी चौपाल करते हैं, तो कोई पियक्कर आकर के हमारे बीच उत्पात फैलाने का काम नहीं करता। और जो वंचित और शोषित समाज के लोग थे, जिनका जो आमदनी का अधिकांश हिस्सा पीने में लगा देते थे, आज उस हिस्से की कमाई उनके बच्चों की पढ़ाई में भी जा रही है, और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को है। इसलिए जो नीतीश कुमार का रास्ता है, वही पीड़ित का रास्ता है। इसी संकल्प के साथ हम लोगों को आज संकल्प लेना है कि तब तक शायद नहीं लेंगे जब तक इस देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार नहीं बन जाता है। इन्हीं चंद बातों के साथ जय भीम, जय नीतीश कुमार।